हाँ सर, की नाम जानू? नरेश कुमार, हरियाणा करनाल से। ये बिट्टू गहलोत जी पानीपत से हरियाणा के प्रमुख हैं। और ये नाम बता दूँ, जय सिंह। जय सिंह, ये भी हरियाणा पानीपत से। और आज हम हरियाणा की टीम आई है श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश खेर जी, बड़े भाई जी से सलाह मशवरा करने के आए हैं। जो नूह में जो घटना हुई है उसके बारे में सलाह मशवरा करने के लिए आज हम आए हैं। कि जी वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, वैसे तो हालात अभी बिल्कुल ठीक हैं, सामान्य हालात हैं, लेकिन आगे वहाँ को क्या तैयारी करनी है। बड़े भाई जी से हम राजेश खेर जी से ये सलाह मशवरा करने आए हैं कि भी हमको आगे क्या तैयारी करनी है, अपनी टीम को आगे क्या तैयारी करनी है, ताकि आगे कोई हालात ख़राब हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जो अपने हिंदू भाई हैं उसमें उनका क्या शो कर सकते हैं। जो माता काली देवी मंदिर है पटियाला जूना खड़ा हरिद्वार श्री हिंदू राष्ट्र तक, इनकी तरफ से हम आए हैं। तो इनसे बड़े भाई जी से सिर्फ यही सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि भी आपकी हम लोग क्या तैयारी करें, अब ये बताएंगे बड़े भाई। हाँ जी प्रधान जी, बड़े दादो जी इतने पहुंचे हैं। अज हरियाणा तो साढ़े हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गहलोत जी साढ़े नाल बैठे ने, और साढ़े तीन राज्य के प्रभारी जोड़े लगाए गए थे जगत गुरु पंचानंद गिर जी महाराज वालों, नरेश पंचाल जी साढ़े नाल आए हैं, और इन्होंने नाल जय सिंह जी जो करनाल तो आए कैथल तो ने। यह जरा इन्हों का दौरा पंजाब पटियाला होया अज, तो पिछले दिन जिस तरह तुम्हें पता ही है कि नूह के अंदर साढ़े हिंदुओं का शोभा यात्रा के उपर एक जानलेवा हमला मुसलमान समुदाय वालों किया गया सी, और जे साढ़े पांच हिंदू नौजवानों की मौत हो गई सी। बाकी की इनपुट अजे आ रही है, तो वह असी कल पंजाब के अंदर कड़ा विरोध किया जिसे असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के हिंदू भाइयों जरा है असी खुद असी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा के असी पंजाब तो हिंदुओं के जत्थे लेके जाएंगे, ताकि साडे हिंदू जिहड़े हरियाणा के हिंदू वस रहे हैं उन्होंने उपर कोई अटैक ना कर सके, उन्होंने असी सुरक्षा प्रदान कर सकी। और इसी सारे घटनाक्रम विचार विमर्श करन दे लई अज साडे हरियाणा तो जिहड़ी टीम है साडे हरियाणा प्रमुख और तीन राज्य प्रभारी जिहड़े साडे नाल बैठे ने ये पटियाला पहुंचे ने, और ये साड़ी एक अहम बैठक हुई है जिसे असी इन्हों दिशा निर्देश देवे कि किस तरह अगर इस तरह के हालात हरियाणा के पैदा होंगे तो वह सामना किस तरह किया जाए।